तो इस तकाल यदि कोई पूछे कि 2 लाख ईसा पूर्व से 60,000 ईसा पूर्व, मैं इस तकाल लिख देता हूं, क्या पता काल आ जाए, 2 लाख ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 60,000 ईसा पूर्व तक का काल। दोस्तों ईसा पूर्व का काल, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने सबसे पहले बताई आपको कि पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल जो है इसका काल 2 लाख ईसा पूर्व से 60,000 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों राजस्थान में या पूरे भारत में इस काल के जितने भी स्थल मिले हैं उन्हें हैंड एक्स कल्चर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस नाम से HANDY हैंड AXE और CULTURE। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों हैंड एक्स कल्चर, आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से काल को हैंड एक्स कल्चर कहा जाता है, दोस्तों हैंड एक्स कल्चर पूर्व या निम्न पुरापाषाण को कहते हैं। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ के आए थे, हैंड एक्स की खोज अर्थात हस्तकुठार की खोज अर्थात कुल्हाड़ी की खोज, इसका मतलब यह हुआ कि इस काल का सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई उपकरण था, यदि कोई उपकरण था वो क्या था, हस्तकुठार था, अर्थात हैंड एक्स थी अर्थात कुल्हाड़ी थी, इसलिए इस काल को क्या नाम दे दिया गया, हैंड एक्स कल्चर नाम दे दिया गया। राजस्थान में जितने भी स्थल मिलेंगे हैंड एक्स कल्चर के वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, अर्थात पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं हम चेक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हैंड एक्स इस काल से संबंधित उपकरण है, आपको याद रखना है पूर्व या निम्न पुरापाषाण का है, ठीक है। तो इसका मतलब जयपुर का ढिंगारिया और इंद्रगढ़ किस काल के होंगे, इसी काल के होंगे, क्लियर होगी ना। लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट स्थल मेरे पास है वो मैं पेश कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कौन कौन से स्थान है। नंबर 1, मैं सबसे पहले नागौर जा रहा हूं। दोस्तों राजस्थान के अंदर नागौर में कौन कौन से स्थल है जो निम्न पुरापाषाण काल के हैं। नंबर 1 दोस्तों जायल, जायल जो है ये रहा जायल, देखो ये रहा जायल, हो गया काम अपना, ये रहा जायल मैंने लिख दिया। दोस्तों आप में से कितने लोग नागौर के सिंगी तालाब के बारे में जानते हैं। दोस्तों नागौर में एक तालाब है जिसका नाम है सिंगी तालाब, कोई जानता है क्या नागौर का सबसे प्राचीन तालाब कौन सा है। दोस्तों सिंगी तालाब, नागौर में एक तालाब है जड़ा का तालाब, लेकिन सबसे प्राचीन कौन सा है, सिंगी का तालाब। तो किस काल का है, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल का है, ये कहां है, नागौर में। नागौर में एक निम्न या पुरापाषाण काल का स्थल है जिसका नाम दिया गया है थोड़ा आर, याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा आर नामक स्थान भी कहां है, नागौर में, और एक बहुत ही तकड़ी ढाणी है इंडो की ढाणी, लिख लीजिए इंडो की ढाणी। दोस्तों इंडो की ढाणी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार से ये नागौर के 4 स्थल है जो कि पूर्व या निम्न पुरापाषाण कालीन है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आपको तो इनको रट्टा मारना है, बाकी काम मेरा है। अब चलते हैं थोड़ा अजमेर की ओर। दोस्तों 2 नंबर पे चर्चा करेंगे अजमेर, लिख लीजिए अजमेर। अजमेर के अंदर एक बहुत, दोस्तों वैसे तो राजस्थान में बहुत स्थल है, कम से कम 100 से 150 है, लेकिन हम उन्हीं को लेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चित है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अजमेर, अजमेर के अंदर होकरा गांव है। दोस्तों अजमेर में कौन सा गांव है, होकरा गांव। आइए चलते हैं होकरा गांव की ओर। दोस्तों ये होकरा गांव बुड्ढा पुष्कर के निकट है। होकरा गांव कहां है, बुड्ढा पुष्कर के निकट है, तो बुड्ढा पुष्कर ऑप्शन में नहीं लेना है, हमें केवल होकरा गांव लेना है। दोस्तों ये रहा होकरा गांव, क्लियर हो गया, होकरा गांव अजमेर में कौन से काल का, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल का है। इस प्रकार से हमने नागौर और अजमेर की चर्चा कर ली है, अब थोड़ी चर्चा करेंगे मेवाड़ के इलाके की। दोस्तों मेवाड़ की यदि हम बात करें तो मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में अनेक नदियां हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि बेड़च, गंभीरी, वागन, सतमाली, दोस्तों मैं लिख देता हूं गंभीरी, बेड़च, वागन और कदमाली। दोस्तों ये सारी की सारी नदियां मेवाड़ की नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, गौर से सुनना भाई, गंभीरी, बेड़च, वागन और कदमाली नदियां ये मेवाड़ इलाके की है। इन नदियों के किनारे जितने भी गांव बसे हुए थे वो सारे के सारे गांव कौन से काल के हैं, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल के हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेवाड़ के कौन कौन से गांव हैं जो इनके किनारे हैं, तो नाम बता देता हूं सबके। चलिए मेवाड़ वाले गांव की बात करें तो सबसे पहले मैं मेवाड़ लिख करके लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 दरौली, दोस्तों नंबर 1 दरौली गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, दरौली गांव हो गया, गाडरियावास भी लिख सकते हो आप, दोस्तों गाडरियावास भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्बाहेड़ा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ वाला निम्बाहेड़ा। इसके अलावा चंपा खेड़ी ये भी आपका कौन सा हो गया, मेवाड़ का, इन नदियों के किनारे है, ठीक है। झजिया खेड़ी भी लिख सकते हो, झजिया खेड़ी। दोस्तों ये सारे के सारे गांव जो है मेवाड़ के गांव है, जो कि गंभीरी, बेड़च, वागन और कदमाली नदियों के किनारे है। मेवाड़ के ये गांव पूर्व निम्न पुरापाषाण काल के हैं, यानी हैंड एक्स कल्चर के गांव है। राजस्थान में ये सारे के सारे हैंड एक्स कल्चर की सभ्यताओं के स्थल है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, कुछ और नाम भी आपको मैं बताना चाहता हूं। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गए, थोड़ा और चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं जयपुर की। दोस्तों यहां देखो होकरा और जैल तो हो गया, लेकिन बुड्ढा पुष्कर को हम आगे लेंगे, अभी मैं बुड्ढा पुष्कर को छोड़ रहा हूं, क्योंकि बुड्ढा पुष्कर पूर्व या निम्न पुरापाषाण का नहीं है,
इसलिए बुड्ढा पुष्कर को छोड़ रहा हूं। चलिए पूर्व या निम्न पुरापाषाण में कुछ और नाम, जिसमें आपका जयपुर लिख लीजिए भाई, चार नंबर पे जयपुर, और जयपुर का भी कौन सा गांव है, ढिंगारिया गांव, दोस्तों ढिंगारिया गांव जयपुर। पांच नंबर पे आप लिख सकते हैं दोस्तों बूंदी का कौन सा, इंद्रगढ़ बूंदी। ये तो हो गए आपके जयपुर और बूंदी के गांव। अब मैं आपको अलवर के तीन चार गांव बड़े गजब गजब के नाम है वो भी आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों अलवर की बात करेंगे, अब अलवर के अंदर तीन नाम बड़े शानदार है। नंबर एक सबसे इंपॉर्टेंट है टडीकर हाजीपुरा, आप में से कोई अलवर का है क्या दोस्तों? नंबर एक मैं लिख देता हूं नाम डडीकर हाजीपुरा, डडीकर हाजीपुरा कोई है क्या डडीकर का, आप में से कोई अलवर का है क्या? आपके अलवर में डडीकर नामक स्थान है, हाजीपुरा नामक स्थान है, जिनको दोनों को क्योंकि पास पास है, डडीकर और हाजीपुरा, ये पूर्व या निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है दोस्तों। कहते हैं कि डडीकर और हाजीपुरा नामक स्थान पर रॉक आर्ट जिसको हम कह सकते हैं चित्रित शैलाश्रय मिले, जिनकी अलग से हम चर्चा और करेंगे दोस्तों। डडीकर और हाजीपुरा अलवर की सभ्यताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है याद रखना।